दोस्तों इन दिनों कुमकुम भाग्य सीरियल की नींव बनी हुई अभिनेत्री मुग्धा चापेकर ने प्राची का किरदार निभाकर सीरियल की टीआरपी को काफी जबरदस्त तरीके से टॉप पर पहुंचाया है, जिनकी मासूमियत के साथ उनका चंचलता भरा अंदाज दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। और इसी किरदार के साथ मुग्धा चापेकर ने सीरियल के कई कलाकारों को भी दर्शकों का फेवरेट बनाया हुआ है, जो इन्हें अपने लिए लकी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन भी करेंगे कि आज जहां इन्हें कई कलाकार खुद के लिए लकी मानते हैं, तो वहीं टीवी इंडस्ट्री में चार सितारे ऐसे भी हैं जो इस टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिए लकी साबित हुए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टीवी सितारों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके रूबरू होते हैं उन्हीं टीवी सितारों से। नंबर वन, फरीदा जलाल। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है। टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री फरीदा जलाल का, जो कि लकी साबित हुई हैं अभिनेत्री मुग्धा चापेकर के लिए। बता दें, इन्हें टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल सतरंगी ससुराल में मुग्धा चापेकर के साथ उनकी सासू माँ गोमती के किरदार में देखा गया था। उस वक्त मुग्धा चापेकर अपने स्टार्टिंग प्वाइंट पे थी, वहीं फरीदा जलाल काफी पॉपुलर अदाकाराओं में शुमार होती थी, जिनकी पॉपुलैरिटी का कोई जवाब नहीं था। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी का सीधा फायदा मुग्धा चापेकर को हुआ और इस तरह से फरीदा जलाल इनके लिए लकी साबित हुई। नंबर टू, रवीश देसाई। इस लिस्ट में दूसरा नाम शुमार है अभिनेता रवीश देसाई का, जो कि लकी साबित हुए हैं टैलेंटेड एक्ट्रेस मुग्धा चापेकर के लिए। बता दें, इन्होंने खुद को दो तरह से मुग्धा चापेकर के लिए लकी साबित किया है। जहां इन्होंने सतरंगी ससुराल सीरियल में उनके पति विहान बनकर उन्हें खूब पॉपुलैरिटी दिलाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस सीरियल के बाद ही रवीश देसाई ने खुद को बेस्ट पार्टनर बताते हुए मुग्धा चापेकर का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद से ही मुग्धा चापेकर को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ढेर सारी खुशियां मिली। नंबर थ्री, शब्बीर अहलूवालिया। जी हां, अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया वही हैं जो कुमकुम भाग्य सीरियल में प्राची बनी मुग्धा चापेकर के साथ उनके पिता अभी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसका जवाब देने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार इन्होंने काफी लंबे समय तक कुमकुम भाग्य सीरियल को दर्शकों से जोड़े रखने के बाद मुग्धा चापेकर को इस सीरियल में एंट्री जो दिलाई थी, तभी तो इनके साथ की वजह से ही मुग्धा चापेकर को ये सीरियल मिला और इस सीरियल के साथ ढेर सारी पॉपुलैरिटी भी। नंबर फोर, श्रीति झा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है शब्बीर अहलूवालिया की तरह ही कुमकुम भाग्य की लीड एक्ट्रेस श्रीति झा का, जो भी लकी साबित हुई हैं मुग्धा चापेकर के लिए। और वो कैसे, तो बता दें कि जब मुग्धा चापेकर इस सीरियल में प्राची बनकर आई थी, तब उन्हें अपने किरदार को परफेक्शन के साथ पर्दे पर उतारने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन उस वक्त श्रीति झा ने इनका साथ दिया और इनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ इन्हें एक्टिंग की नई नई स्किल्स भी सिखाई, जिसके चलते ही मुग्धा चापेकर अपने किरदार को बखूबी पर्दे पर उतार पाई और दर्शकों के बीच अपनी जगह बना पाई। तो हुई ना इस तरह से श्रीति झा भी इनके लिए लकी साबित। तो दोस्तों, क्या इन सितारों को आप भी मुग्धा चापेकर के लिए लकी मानते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।